सो हेलो एंड व्हाट्सअप गेमर्स, कैसे हो आप सभी लोग। होप करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 अमेजिंग गेम्स जिनको कि आप जो है 300 MB में अपने एंड्रॉइड डिवाइस में प्ले कर सकते हो। और ये जो गेम्स है सारी लेटेस्ट गेम आपको देखने को मिल जाएंगी और इनको जो है आप एंड्रॉइड में काफ़ी ईजिली प्ले कर सकते हो। और भी आपको जो है इनमें मैंने काफ़ी मिक्सचर जो है ऐड किया हुआ है हॉरर गेम स्केरी गेम्स। Oh shit. Here we go again. So without wasting any more time, let's get started. सो फर्स्ट नंबर पे जो गेम है उसका नाम है एल्टोज एडवेंचर। 102 MB की आपको ये गेम देखने को मिल जाएगी। मैं आपको एंडलेस स्नोबोर्डिंग एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा जो कि स्टनिंग विजुअल्स और काफ़ी रिलैक्सिंग एटमोसफियर के साथ में देखने को मिल जाता है। गेमिंग एक्सपीरियंस भी इस गेम का काफ़ी अच्छा है। और गाइज आपको इसमें जो है एक जो अमेजिंग ट्रिक्स और स्नोबोर्डिंग जर्नी आपको देखने को मिल जाएगी और गेम का साइज भी आपको काफ़ी कम देखने को मिल जाता है इसमें। बाकी आप जो आइडिया है गेम प्ले के साथ भी ले सकते हो, बट आपको इस गेम में जो है अगर आप कोई स्नोबोर्डिंग वाली कोई गेम ट्राई करना चाहते हो तो इस गेम को आप जो जरूर से चेकआउट कर सकते हो। सेकंड नंबर पे जो गेम है उसका नाम है मोनूमेंट वैली। अभी ये जो गेम है 245 MB की आपको देखने को मिल जाएगी। माइंड बेंडिंग पजल गेम है ये। इल्यूजन भी आपको इस गेम में देखने को मिल जाते हैं। पजल गेम्स को ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो, आपको जो है गेम प्ले स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। जो थर्ड नंबर पे गेम है उसका नाम है बेडलैंड। एटमॉस्फेरिक साइड स्क्रोलिंग प्लेटफॉर्मर गेम है। आपको इमर्सिव जर्नी देखने को मिल जाती है एक डार्क से लेके एक हॉन्टेड वर्ल्ड तक। वो वैसे देखने को मिल जाता है, एक तो डार्क स्केरी सी वाइब आती है जिसमें कि आपको ट्रैप्स वगैरह और भी काफ़ी जो है ऑब्स्टिकल्स देखने को मिल जाते हैं जिसको कि आपने सर्वाइव करना है और मिस्ट्रीज को सॉल्व करना है। तो वैसी वाली ये जो गेम है, अगर आपको जो है ऐसे वाले जो स्टोरीज भी पहले पहले सुना करते थे तो ऐसी गेम्स अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप इस गेम को ट्राई कर सकते हो। आपको ये जो है 168 MB की देखने को मिल जाएगी। गेम की बात करते हैं फोर्थ नंबर पे जिसका नाम है लिम्बो। सो इस गेम का साइज आपको 114 MB देखने को मिल जाता है। एक यंग बॉय का करेक्टर देखने को मिल जाता है जो कि अपने जो मिसिंग सिस्टर है उसको फाइंड करने की कोशिश करता है डेंजरस और मिस्टीरियस वर्ल्ड में। काफ़ी ये जो गेम है आपको डार्क देखने को मिलेगी और काफ़ी इसमें जो है ब्लैक एंड वाइट सी वाइब आती है जिसमें कि आपको ब्लैक एंड वाइट जो विजुअल और एटमॉस्फेयर भी उसी तरीके का देखने को मिल जाता है जिसमें कि आपको काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन भी देखने को मिले, तो आप इस गेम के साथ भी जा सकते हो। फिफ्थ नंबर पे जो गेम है उसका नाम है मिनी मेट्रो और ये जो है 154 MB की आपको देखने को मिल जाएगी। मिनिमलिस्ट सर्वे प्लानिंग देखने को मिल जाती है, आप जो है स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। आपको सिंपली जो है एक मेट्रो का काम दिया जाता है जिसमें इससे लेकर सिटीज तक का एक जो है लाइन देखने को मिल जाती है। इसमें आपका यही काम है कि आपने जो है एफिशिएंटली जो कनेक्ट करने स्टेशन जिससे कि जो मेट्रो है वो स्मूथली रन कर सके। तो सिंपल एडिक्टिव गेम देखने को मिल जाएगी। इस नंबर पर जो गेम है उसका नाम है इंटू द डेड। अभी ये जो गेम है 132 MB की आपको देखने को मिल जाएगी। और इंटू द डेड अगर आप नाम भी सुनोगे तो क्लियर हो जाएगा काफ़ी अच्छे। ये एक जोम्बीज हॉरर गेम है, टेंस फर्स्ट पर्सन एंडलेस रनर गेम है जिसमें कि आपको काफ़ी इन्फेक्टेड जो जोम्बीज वगैरह देखने को मिल जाएंगे। लंबे से लंबे टाइम के लिए जोम्बीज से सर्वाइव करना है और यूटिलाइज़ करने हैं अपने जो है आपके वेपन्स हैं और भी जो पावर अब आपको देखने को मिलेगा उनको आपने यूटिलाइज़ करना है और जोम्बीज से फाइट करनी है, सर्वाइव करना है, देखना है कि आप कितने टाइम तक जो है सर्वाइव कर सकते हो। तो गेम ये भी काफ़ी अच्छी है, आप चाहें तो इस गेम को भी ट्राई कर सकते हो। सेवन नंबर पर जो गेम है उसका नाम है शेडो फाइट 2। गेम का साइज़ आपको 154 MB देखने को मिल जाएगा। इस गेम में आपको इंटेंस मार्शल आर्ट्स जो कॉम्बैक्ट स्किल देखने को मिल जाएंगी और इसमें आपको जो है एक करेक्टर होता है जिसका कि अभी शेडो आप बोल सकते हो। पूरी आपको यूनिक और शेडो बेस्ड फाइटिंग मैकेनिक्स इस गेम में देखने को मिल जाते हैं, स्टोरी लाइन इसमें देखने को मिल जाएगी। काफ़ी आपको वेपन्स देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी आपको जो है फाइटिंग स्किल देखने में मिल जाएगी, तो आप चाहें तो इस गेम को भी ट्राई कर सकते हो। एट्थ नंबर पे जो गेम है उसका नाम है द रूम। 223 MB की आपको गेम देखने को मिल जाएगी और द रूम सुन के आपको लग रहा होगा ये कैसी गेम हो सकती है। पजल लाइक गेम आपको देखने को मिल जाएगी जिसमें कि आपको हॉन्टेड एटमोसफियर देखने को मिल जाएगा और इसमें आपको पजल बॉक्सेस और काफ़ी जो है मिस्ट्रीज देखने को मिल जाएंगी। स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है और पजल सॉल्विंग और मिस्टीरियस सी गेम है ये जिसमें आपको मिस्ट्री सॉल्व करनी होती है। तो आपको इस टाइप की गेम्स अगर अच्छी लगती हैं तो आप जो है जरूर से चेकआउट कर सकते हो क्योंकि काफ़ी ये जो है यूनिक और हटके गेम है, आप जो है गेम प्ले से भी इसका आइडिया ले सकते हो। नाइन नंबर पे जो गेम है उसका नाम है जेट पैक जॉय राइड। आप भी सुना होगा क्योंकि ये जो है एक पॉपुलर साइड स्क्रोलिंग एंडलेस गेम है कि आपको एक लड़का देखने को मिल जाता है बेरी नाम का जिसने कि
जो कि एक्सपेरिमेंट जेटपैक होता है, जिसको कि वो चुरा लेता है। चुराने के बाद का जो भी सिनेरियो होता है उसको आपको इस गेम में दिखाया गया है कि जैसे वो भागता है और उसके बाद में वो जो है कुछ ऑब्स्टिकल्स वगैरह आती हैं, मैं उनको वो डोज करता है। और इसमें आपको जो है एक रनर बेस्ड गेम है, ये हाईली एडिक्टिव और क्वार्की ह्यूमर वाली होती है, जिसमें आपको जो है बीच बीच में डायलॉग डिलीवरी देखने को मिल जाएगी। वो आप जो है एक बार जरूर से ट्राई करना, जेट पैक जो है राइड जो है, आपको इस गेम को प्ले करने में मज़ा ज़रूर से आएगा। 10th नंबर पर जो गेम है उसका नाम है स्मैश इट। 76 MB की आपको गेम देखने को मिल जाएगी। अभी ये जो गेम का भी कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है, आपको विजुअल्स वगैरह सब कुछ काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी एक जो है अलग सी वाइब आती है इस गेम में, जिसमें कभी आपको जो है शेल्टर ग्लासेस जो ऑब्स्टिकल्स काफ़ी आएंगे रास्ते में, वो उससे थ्रो करके उनको आपने ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना है, और आपको जो है वैसे वैसे करके कि आप जो आगे बढ़ते जाओगे। तो एक जो है स्मैश इट एक गेम का नाम है तभी पड़ा है कि इसमें आपको सिर्फ स्मैश ही करना होता है। ग्राफिक्स और इंप्रेसिव गेम प्ले वाली गेम जो है चेकआउट करना चाहते हो, स्मैश इट आपके लिए काफ़ी अच्छी और सेटिस्फाइंग सी गेम है, उसे इस गेम को भी चेकआउट करना। सो गाइज, यही थी टॉप 10 अमेजिंग गेम्स अंडर 300 MB। सो गाइज, आप जो है इन सभी गेम्स को चेकआउट कर सकते हो। मैंने जो है आपको 300 MB में बोल रहा था, बट ये जो गेम्स है आपको मैं काफ़ी कम MB में प्रोवाइड कर रहा हूँ। 100 to 200 MB में आपको ये जो गेम्स है देखने को मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना आपको इन टॉप 10 गेम्स में से कौन सी गेम जो है ज़्यादा अच्छी लगी। और गाइज, अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो पे जरूर से लाइक कर दीजिएगा। आज की वीडियो पर लाइक हम रखते हैं 50 लाइक्स का, होपफुली आप जो है कंप्लीट करवा दोगे। साथ में चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के साथ में एक छोटा सा बेल आइकन होगा, उस पर क्लिक करके सेलेक्ट कर दीजिए नोटिफिकेशन, जिससे जब भी मैं कोई लेटेस्ट गेम वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। गाइज, मैं मिलता हूँ एक और इंटरेस्टिंग गेम में। और गाइज, आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर से सजेशन बता सकते हैं मुझे, आपको कौन कौन सी नेक्स्ट गेमिंग वीडियो चाहिए, तो उन पे जो है मैं जल्दी से वीडियो लेके आऊँगा। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।